उनके जीवन, उनके विचार और चिंतन से श्रावक को प्रेरित कर सत्संग का लाभ देने हेतु प्रस्तुत है श्रीफल न्यूज का सत्संगी प्रयास संत वाणी। पुष्पगिरी तीर्थ पर विराजित मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से, अहंकार को धरातल पर रखकर जीना ही मार्दव धर्म है, उल्लसित करने वाले पर्व का आज दूसरा दिन है, इसे मार्दव धर्म कहते हैं। सच्चे शब्दों में इसकी परिभाषा यह है कि स्वयं को छोटा मानकर सभी से मीठा बोलना, आंखें झुकाकर बात करना। इसमें यह भी ध्यान रखा जाए कि ध्यान डर के कारण, लोभ के कारण, राग के कारण, शक्ति नहीं होने के कारण करना मार्दवता नहीं है। सर्वगुण संपन्न होने पर जब दूसरों के प्रति उपकार का भाव आता है, वही वास्तव में मार्दवता है। मार्दव धर्म मान कषाय के अभाव में आता है। रावण जैसा शक्तिशाली, ज्ञानी, धनवान, अनेक रिद्धियों का धारण करने वाला, सुंदर और उत्तम कुल के साथ ही इतना पुण्यशाली था कि आने वाले समय में वह तीर्थंकर होगा, पर वह उस भव से अपने अहंकार के कारण नरक गया और लोक में आज भी उसका नाम सुनते ही लोगों के अंदर उसके प्रति शत्रु का भाव जागृत हो जाता है। जबकि वर्तमान के लोगों का उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर उसने अहंकार में आकर एक स्त्री का हरण कर लिया, पर उसे स्पर्श तक नहीं किया, परंतु अहंकार के कारण उसके सारे गुण नष्ट हो गए। आज भी हम उसे जलाते हैं, अपने परिवार में उसका नाम तक नहीं रखते हैं। इस धर्म से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारे अंदर के लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, जलनशीलता रूपी रावण को निकालकर प्रेम, स्नेह, सहयोग रूपी राम को जगह दे, तभी मार्दव धर्म हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है। कहा जा सकता है कि सभी तरह के अहंकार को धरातल पर रखकर जीना ही मार्दव धर्म को अपनाना है। मुनि पूज्य सागर महाराज। आज का जाप, ओम रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। आज का नियम, नमोकार मंत्र की एक माला।